नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना। आज एग्जीबिशन का सेकंड डे है और हम सेकंड डे का शुरुआत कर रहे हैं। आप देखिए मेरे चारों तरफ, खूबसूरती देखिए। ये शायद स्वागत के लिए है, हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए है। और ये कौन से स्कूल से हम दिखाते हैं, ये है MKS स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। जी हाँ, ये इस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जी हाँ, इसकी शुरुआत थोड़ी देर में होने वाली है। आई एम जानर फर्नांडिस, प्रिंसिपल MKS इंग्लिश स्कूल। एज यू सी द फ्लैग, दिस इज माय स्टूडेंट्स। दे आर गोइंग टू परफॉर्म द लेजिम फॉर द पी वॉर्ड साइंस एग्जीबिशन एंड आई नो दे डू द बेस्ट बिकॉज दे आर सो मेनी इनटू कॉम्पिटिशन एंड आई विश यू ऑल माई चिल्ड्रन ऑल द बेस्ट एंड फॉर द साइंस एग्जीबिशन। छोटी छोटी यहाँ की एक्टिविटीज आपको दिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी। आइए हम चलते हैं, यहाँ के बड़े कलरफुल ड्रमर हैं, हम इनसे भी जानेंगे। हेलो एवरीवन, पायल है हमारे साथ। पायल, इसके बारे में हमें बताएंगे क्या है। दिस इज अ बैंड ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल। सेंट जोसेफ स्कूल, अच्छा, तो ये आप लोग वेलकम के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं वेलकम की, दूसरे दिन की वेलकम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पी वार्ड विज्ञान प्रदर्शन, जी हाँ, बहुत खूबसूरत है। कल भी हमने आपको सारा दृश्य दिखाया है, पर आज भी दिखाते हैं। आइए चलते हैं, इसी के साथ गेंडे की शुरुआत जो है वो बहुत एक्साइटमेंट में है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमको उन्होंने बताया है कि एक प्लेज कार्ड है और दो कार्ड्स मिलते हैं, एक आप अपने घर में ले जा सकते हो और एक और आप प्लेज कर सकते हो। अरे बहुत है, दैट इज़ वेरी नाइस। आप देख सकते हो कितने सारे बच्चों ने ये पिनअप कर चुके हैं। ओ माई गॉड, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इतने सारे बच्चे ऑलरेडी पिन कर चुके हैं। ये बहुत यूनिक और प्यारा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। इसी के साथ हम भी एक कार्ड उठा लिए हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम लिख लिया है और ये जो पिनअप है इन्हीं के साथ। और मैं बहुत एक्साइटेड हुई करने के लिए और मैं भी पिनअप करने वाली हूँ। जी हाँ, यहाँ पे पिन आप देख सकते हैं, दिस इज माई कार्ड।
प्रेरणा से करते हैं। अब कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आपके समक्ष उपस्थित हैं प्रेयर डांस को लेकर।
स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और उनके मॉडल्स में उनका क्रिएटिविटी भी दिखता है। बिल गेस्ट ऑफ ऑनर जुड़े हुए हैं डीडी नायक जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। सर, आपने एग्जीबिशन देखा स्कूल का, बच्चों का, कैसा कुछ लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत सारी वैरायटीज थी, जो साइंस प्रोजेक्ट थी उसमें बहुत सारी वैरायटीज थी और बच्चों का बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं। बिल्कुल सर, इसलिए सब स्कूल के बच्चे, सब स्कूल के जो साइंस टीचर है उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, वैराइटीज है, उसमें बहुत सारी वैराइटीज के प्रोजेक्ट रखे हैं और जो टीचर्स के भी प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छे है। नमस्कार, मैं संदीप पाटिल, असिस्टेंट डिप्टी एजुकेशन इंस्पेक्टर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि क्या होता है कि आपने यहाँ आकर 3 दिन के लिए हमारा जो साइंस एग्जीबिशन है उसका जो कवरेज किया, उसके लिए तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर थैंक यू। क्योंकि बात ऐसी है कि देखो, ये जो साइंस एग्जीबिशन का जो मोटो है वो पहले तो ये होता है कि साइंस का प्रचार करना और प्रसार करना, और होता यह है कि कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो तो उसका प्रसार हो जाता है, लेकिन जो साइंटिफिक प्रोग्राम्स होते हैं उसका ना प्रचार होता है ना प्रसार होता है। तो इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने हमारे साइंस एग्जीबिशन का प्रचार कर रहे हैं और प्रसार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कठिनाई तो बहुत है, क्योंकि मालार जो कीवर्ड है वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा स्लम्स की स्कूल यहाँ पे है, और जबकि स्लम्स की स्कूल है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कम होती है। तो ऐसी स्कूल का यहाँ पे आना, 166 स्कूल यहाँ पे है और ये स्कूल आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करना, ये हमारे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट है। आउट ऑफ 166 स्कूल यहाँ पे 146 स्कूल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है और ये कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है इसका हमें अंदाज़ा है, लेकिन जो बेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट होगा, इतना ट्रांसपेरेंसी हम रखते हुए। मेरा नाम विनोद कांबले है और मैं महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग के परिपत्र के अनुसार स्कूल में जो एजुकेशन एक्टिविटीज जो होती है वो उसके लिए हमारी नियुक्ति होती है। एक
साझेदारी के रूप में। ये जो पी बोर्ड का साइंस एग्जीबिशन है, इसमें रिजल्ट में भी बहुत वैरायटी होती है। जैसे हमारे 5 सब थीम है, तो 5 सब थीम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज होंगे। लेकिन सर बहुत मुश्किल है, एक से एक लोग हैं, एक से एक टैलेंट है सर। इसको जज करने के लिए हमने आज 14 जजेस बुलाए थे, तो अभी हमने ऑर्गेनाइज किया। ये वार्ड लेवल का साइंस एग्जीबिशन है, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसको बोलते हैं जोनल लेवल का साइंस एग्जीबिशन होगा 21, 22, 23 दिसंबर में, और ये CWC हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज वर्सोवा में है, वो जोनल लेवल का है। फिर उसके बाद में होता है आपका स्टेट लेवल, उसके बाद में होता है नेशनल लेवल। सर तो अभी तक 25 साल में आपने कितने सारे साइंटिस्ट दे चुके हैं गवर्नमेंट को सर? डेफिनेटली हर एक स्कूल से, हर एक वार्ड से, और जिस तरह का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होता है, कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट तो बनता ही है। ये थे रियाज सर, और आज था दूसरा दिन साइंस एग्जीबिशन का। हम फिर कल इनसे मिलेंगे और कल फिर जानेंगे, लेकिन हमको एक बात तो ये समझ में आ गई है कि ये जो रिजल्ट होने वाला है ये बहुत कठिन होने वाला है। आज के लिए मैं बस यहीं पर खत्म करती हूँ, कल फिर मैं आपसे मिलूंगी। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मुंबई और मुंबई के आसपास की खबरों के लिए बने रहिए टॉक विद तमन्ना के साथ।